मित्रों और मेरे प्यारे दर्शकों, मैं निर्मल रतनलाल वैद, हम बातचीत करेंगे भारतीय सिनेमा की। भारत में सिनेमा इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। 1913 में जो सफर शुरू किया था दादा साहब फाल्के ने, पहली फिल्म बनाई थी राजा हरिश्चंद्र, वहां से लेकर 1931 में पहली बोलती फिल्म आई थी आलम आरा, इसी प्रकार से कब पहली रंगीन फिल्म बनी, किस फिल्म ने क्या क्या रिकॉर्ड बनाए, उस सब के बारे में हम बातें करेंगे। किस प्रकार से भारतीय सिनेमा का स्वरूप बदलता रहा हर दशक में, 1913 से जो शुरू हुआ, उसके बाद अलग अलग दशकों में अलग अलग नायक नायिकाएं, खलनायक, गीत, संगीत, इतने लोग इस फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। आज पूरे विश्व में भारतीय सिनेमा का डंका बजता है और ये मनोरंजन का सबसे अच्छा साधन है। स्वरूप बदले, पहले गांव गांव में जाकर स्क्रीन लगाकर उसके ऊपर फिल्म चलाई जाती थी, उसके बाद धीरे धीरे छोटे सिनेमा घर बनने शुरू हुए, उसके बाद में बड़े सिनेमा घर बने और आज वो जगह मल्टीप्लेक्स ने ले ली है, ये हम सब जानते हैं। कैसे फिल्म बनती थी, कैमरे कैसे होते थे, बहुत बड़े बड़े कैमरे इस्तेमाल होते थे, संगीत किस प्रकार से तैयार होता था, ये सारी रोचक बातें मैं आपसे इस चैनल के माध्यम से करूंगा, क्योंकि मैंने कुछ सीरियल भी बनाए हैं। मेरा एक सीरियल था एक्शन टू कट, जिसमें मैंने दर्शाया था कि किस प्रकार से भारतीय सिनेमा में जो स्टंट मैन है, स्टंट डायरेक्टर है, डुप्लीकेट है, वो किस तरह से काम करते हैं। इसी प्रकार से इस इंडस्ट्री में कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, मेकअप, सेट डिजाइनिंग, आर्ट डायरेक्शन और न जाने कितने आयाम हैं। एक फिल्म बनाने में कितनी मेहनत लगती है, ये सब हम आपसे डिस्कस करेंगे। क्यों कोई फिल्म हिट होती है और क्यों कोई फिल्म फ्लॉप होती है। फ्लॉप तो कोई भी नहीं बनाना चाहता, लेकिन क्या कारण है, दर्शकों को क्या पसंद है, क्या निर्देशक ने वो बनाया है, या जो उसकी सोच थी उसे पसंद किया हमारे दर्शकों ने। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए अलग अलग समय पे, रोमांटिक फिल्में आई, मारधार की फिल्में आई और सामाजिक फिल्में आई, बहुत प्रकार की फिल्में हम सब देखते हैं। आज इतना बड़ा स्वरूप है कि आज भारतीय सिनेमा पूरे विश्व में देखा जाता है। इसी प्रकार से हम रोचक जानकारियां आपको इस चैनल के माध्यम से हम देते रहेंगे। आज ये शुरुआत है 30 नवंबर 2023 को। मैं चाहता हूं कि मैं सप्ताह में दो बार आपसे इस बारे में बातचीत करूं, आपके व्यूज मुझे मिले, आप क्या जानना चाहते हैं। इसमें मैं कुछ बड़े निर्देशकों के इंटरव्यूज भी दिखाऊंगा। मैंने कुछ इंटरव्यूज लिए हुए हैं पहले, जैसे मैंने होमी वाडिया, जिन्होंने बर्निंग ट्रेन जैसी फिल्में, जो नाडिया एक एक्शन ओरिएंटेड हमारे हिंदी सिनेमा की हीरोइन थी, उसके पति थे, अब वो नहीं रहे। मैंने करीब 1996 में उनका इंटरव्यू किया था मुंबई में उनके घर जाकर। इसी प्रकार से जयराज, जो एक एक्शन हीरो थे जिन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया, साइलेंट इरा से लेकर और कलर्ड सिनेमा तक, उनका भी निधन लगभग 90 वर्ष के बाद हुआ। ऐसे रोचक जानकारियां उन महान कलाकारों के बारे में, उन महान निर्देशकों के बारे में, उन लेखकों के बारे में, उन गीतकार के बारे में, उन गायकों के बारे में, उन सब के बारे में आपसे डिस्कस होगा। किशोर कुमार के बारे में बहुत सारी बातें मैं आपसे करूंगा। अमित कुमार ने जो मुझे किशोरदा के बारे में बताया है वो आपके साथ मैं साझा करूंगा। ऐसे मोहम्मद रफी से लेकर मुकेश और जितने भी हमारे गायक, केएल सैगल से लेकर और आज तक के जो गायक हैं, उनके बारे में हम बातचीत करेंगे। कुल मिलाकर इस चैनल में आपको भरपूर मसाला मिलेगा, भरपूर मनोरंजन के बारे में,
हम पर्दे के पीछे के बारे में अधिक बातें करेंगे। मुगले आजम में किसने सितार बजाया था, क्या कोई उसको जानता है? या हीरो फिल्म में जो एक संगीत, एक जो टाइटल म्यूजिक उनका बना था, इसी प्रकार से कुछ ट्यूने जो बांसुरी के माध्यम से आप तक आई हैं, कुछ माउथ ऑर्गन के माध्यम से आई हैं, राज कपूर से लेकर, पृथ्वीराज कपूर से लेकर राज कपूर और अनगिनत इस इंडस्ट्री में जो काम करने वाले हैं, उन सब के बारे में आपसे जानकारी करूंगा। आप मेरे साथ बने रहें, जुड़े रहें। ये आज एक इंट्रोडक्शन था। इस प्रकार मैं आपके साथ अपनी बातें करूंगा, हिंदी सिनेमा की बातें करूंगा, क्योंकि मैं बचपन से ही फिल्मों का फैन तो था ही, लेकिन मैंने बहुत करीबी से फिल्मों को देखा है। मैं प्रोडक्शन डिजाइनर रहा हूं फिल्मों में, और भी बहुत आयाम के साथ मैं जुड़ा रहा। बहुत सारे कलाकारों के साथ मैंने इवेंट्स किए, हमारे जितने भी बड़े कलाकार थे उनके साथ स्टार नाइट की, उनके साथ संगीत के बड़े बड़े कार्यक्रम किए, अंताक्षरी के कार्यक्रम किए, ये सब मैं आपके साथ साझा करूंगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। मैं निर्मल रतनलाल वैद्य इसी तरह से आपसे बातचीत करता रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।